पूछो जरा पूछो, मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ।
हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। तुमसे दिल लगाने की सजा है। हाँ 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 तुमसे दिल लगा डरा दिया मुझे। अभी डर जाओ बहना तो बेहतर होगा, नहीं तो ये शिफॉन की साड़ी की जगह खादी की साड़ी होगी और ये प्याले की जगह भीख का कटोरा होगा। क्यों भाई? बाप और बेटी में वो कभी नहीं टूट सकता। आज जीजा जी ने अपनी लाडली के नाम घर किया है, कल को पूरी जायदाद कर देंगे। लेकिन भाई उसके जिद्दी पति ने घर वापस कर दिया है। अरे घर वापस किया है, जायदाद वापस नहीं करेगा पगली। कल को जीजा जी के मरने के बाद सारी की सारी जायदाद आरती के नाम हो जाएगी, फिर वो राजा हिंदुस्तानी नाम का टैक्सी ड्राइवर हम पर राज करेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? सांप को मारने के लिए उसे बिल से निकालना बहुत जरूरी होता है। तुम कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि वो दोनों के दोनों यहाँ जाएं, फिर मैं ऐसा वार करूंगा कि शकुनी मामा भी शर्मिंदा हो जाए। नहीं आरती, हम बंबई नहीं जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन हम तुम्हें कहाँ रोक रहे हैं आरती? देखो ना राजा, माँ ने कितना प्यार भरा खत लिखा है। वो चाहती है कि हर साल की तरह इस साल भी पापा और मैं अपना जन्मदिन एक साथ मनाएं, वरना पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। लेकिन आरती, हम वहाँ एकदम, हमें एकदम वहाँ अजनबी सा महसूस होगा। तुम जाओ ना। तुम्हारे बिना? तुम चाहते हो मैं अपना जन्मदिन उदासी में गुजारूं? नहीं लेकिन। तो फिर हाँ कह दो ना राजा जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, प्लीज राजा जी हाँ कह दो, प्लीज। ठीक है, हम मुंबई जाएंगे। थैंक यू।